हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे भारत के इतिहास के भाग 15 की। इससे पहले मैं 14 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये चैनल स्पेशली उनके लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और सभी तरह की तैयारी इसमें कराई जाती है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये सुपरफास्ट सीरीज है हिस्ट्री की, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सोलकाको, गुमला, रहमान डेरी या मुंडीकाक? श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लोह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? कर्टियस। एक तरफ है सैंधव सभ्यता के पतन के कारण, और एक तरफ है विद्वान, मतलब किसने कौन सी बात कही है कि किस कारण से अंत हुआ। तो ए यानी कि सिंधु नदी की बाढ़ में जो बोली है वो मार्शल और मैके ने बोली है। बी का जो आंसर है वो है गॉर्डन चाइल्ड व्हीलर, और जलवायु परिवर्तन और स्टाइन, भूतात्विक परिवर्तन राइक्स एवं डील्स। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर पिटक। वज्र छेदी का नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? महायान। निम्न में से किसे मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फियस ने राजदूत के रूप में भारत भेजा? डायोनियस। निम्न में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? अग्निष्ठोम। संगम साहित्य में वर्णित कनगी क्या है? तमिल महाकाव्य की नायिका। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था चांदी व अन्य धातुओं का प्रबंधक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर क्या था? एक आपात कर। मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमिका राजस्व। मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था पन्याध्यक्ष। अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन तीन पदाधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं वह हैं युक्त, राजुक एवं प्रादेशिक। निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? 13वां शिलालेख। निम्न में से किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान है? राजसूय। तृतीय तमिल संगम हुआ था मदुरई में। निम्न में से किसने वाजपेयी यज्ञ किया था? प्रवरसेन प्रथम। निम्न में से कौन सा स्थान जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है? सहित। निम्न में से किसने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई है? कनिष्क। गुप्तोत्तर काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई, जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई, तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। निम्न में से व्यंगी का कौन चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर आसीन हुआ? कुलोत्तुंग प्रथम। उत्तर मेरु अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? परांतक चोल। चोल प्रशासन में उदयकुटुम अधिकारी का क्या कार्य था? वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। तारीख के सुबुक्तगिन पुस्तक का लेखक कौन था? बेहाकी। निम्न में से किसे कुरान खा कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। धारा नगरी की स्थापना किसने की? भोज ने। लक्ष्मी प्रकार के सोने के सिक्के किसने चलवाए? मोहम्मद बिन साम। सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का आरंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने। इक्ता का आवंटन प्रारंभ किया? इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य था शक्तिशाली सेना रखना। निम्न में से किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इतिहासकार मिनाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद। निम्न सूफियों में से किसे तुर्कुल्ला की पदवी दी गई थी? अमीर खुसरो को। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद निषेध के आदेश का प्रमुख कारण था राजनीतिक। निम्न में से उशरी भूमि के स्वामी कौन थे? भारतीय मुसलमान। नगद वेतन के बदले इक्ता देने की प्रथा को बंद किया अलाउद्दीन खिलजी ने। लोदियों का राजत्व सिद्धांत आधारित था अफगान सरदारों की समानता पर। यूनानी लेखकों ने भगवान कृष्ण का उल्लेख किस रूप में किया है? हेराक्लीस। अकबर के पुत्र शहजादा मुरीद की मृत्यु हुई, मुराद की मृत्यु हुई अधिक मद्यपान से। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था में गणिकाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणिकाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, वह नाच गान में पारंगत थी, वह सार्वजनिक समारोह में भाग लेती थी, उन्हें प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो ये गलत है। निम्न में से किसने अफीम लेकर आत्महत्या की? मल्लिकाए जहां।
अपने सिंहासन रोहन के बाद प्रसिद्ध 12 देश किसने जारी किए? औरंगजेब ने। निम्न जहांगीर की पत्नियों में से कौन राजपूत नहीं थी? नूरुन्निसा बेगम।